माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर एक ट्रिक के बारे में समझते हैं। अगर हम यहाँ पर सेल पर रैम लिखते हैं और जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो रैम का पूरा नाम शो कर रहा है। अगर हम यहाँ से रोम टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो रोम का पूरा नाम, अगर हम यहाँ से सीपीयू लिखते हैं तो सीपीयू का पूरा नाम शो करता है, अगर हम यहाँ से जेएच लिखें तो झारखंड हो रहा है, डीएल लिखें तो दिल्ली हो रहा है। ये कैसे हो पा रहा है? अगर ये आपको करना है तो इसके लिए आप यहाँ से फाइल मेनू पर जाएँ और ऑप्शंस पर क्लिक करें। एक आपका बॉक्स खुलेगा एक्सेल ऑप्शंस का, जिसमें प्रूफिंग ऑप्शन में जाना है और यहां से ऑटो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें आप यहां से ऑटो करेक्ट में रिप्लेस और यहां से विथ होगा। रिप्लेस में उस वर्ड को टाइप करें जो आपको टाइप करना है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमको बिहार करना है तो बिहार लिख देंगे और इसके बाद विथ में हम यहां से उसका पूरा नाम बिहार लिखते हैं और इसके बाद यहां से ऐड, इसके बाद ओके कीजिए और फिर इसके बाद यहाँ से ओके। अब जब भी हम इस जगह पर बिहार लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो बिहार आ जाएगा। तो इस तरह से ऑटो करेक्ट ऑप्शन की मदद से जो बार बार यूज होने वाला टेक्स्ट है आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं।